स्वागत है सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्टे विथ मी में। और आज हम चर्चा करने वाले हैं आंगनवाड़ी में लेटेस्ट वैकेंसी आ रखी है महिला सुपरवाइजर के लिए। किसके लिए? महिला सुपरवाइजर के लिए, महिला सुपरवाइजर, पर्यवेक्षक भी कहते हैं इसे हिंदी में। तो इसकी वैकेंसी आ रखी है। इस वैकेंसी के बारे में डिटेल में देखने वाले हैं। ये वैकेंसी कब से शुरू, बिल्कुल आज ही वैकेंसी आ रखी है। और ये वैकेंसी कब से शुरू है, कब को ख़त्म होने वाली, आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे भरेंगे, क्या क्या चीज़ें इसमें होने वाली है, और किस किस डिपार्टमेंट में, मतलब किस किस स्टेट वगैरह में, और किस किस पर्टिकुलर जो रिजर्वेशन कैटेगरी उसमें कितनी कितनी वैकेंसीज हैं, टोटल कितनी वैकेंसी, मतलब हर चीज़ हम इस अपने वीडियो में देखने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ शुरुआत से लेकर अंत तक। और अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो विदाउट एनी डिले आप जानते हैं क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन दबाना है। तो अब हम शुरू करते हैं। देखिए मैंने हेडिंग में लगा रखी है एकदम करेक्ट हेडिंग, आंगनवाड़ी महिला सुपरवाइजर के पदों में भर्ती, और ये राजस्थान आंगनवाड़ी सुपरवाइजर भर्ती है 2018 की ये लेटेस्ट वैकेंसी है। ठीक है, तो देखेंगे ये भर्ती कौन करा रहा है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है जो जयपुर, वो करा रहा है ये भर्ती। देख सकते हैं हम परीक्षक महिला कार्यकर्ता कोटा की सीधी भर्ती परीक्षा 2018 के लिए जो है ना पद आमंत्रित किए गए हैं। ठीक है, अब टोटल पदों की संख्या हम देख लेते हैं, 291 गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र से 18 है। ठीक है, टोटल पद कितने, 309। ठीक है, आगे हम देखते हैं थोड़ा सा इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें हैं। आवेदन प्रक्रिया के लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने हैं, वो कैसे भरने हैं आपको, इस वेबसाइट पर जाकर www.sso.rajasthan.government.in पर उसका पंजीयन कर सकते हैं। ये डायरेक्ट लिंक है। ठीक है, और अगर आपको वेबसाइट पर जाना है तो ये इसकी वेबसाइट लिखी www.rsmssb.rajasthan.government.in पर जाकर आप इस पर जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करके फिर आप यहीं पर जाएंगे। चाहे आप ये डायरेक्ट कर दें, चाहे आप इस पर जाकर सारा काम करके रिक्रूटमेंट क्लिक करके ऑनलाइन क्लिक करके तब आप जाके अपना ऑनलाइन फॉर्म भर दें। ठीक है, और इसके बारे में वीडियो पॉज करके आप ये चीज़ें देख सकते हैं कि आपको कैसे फॉर्म भरना है। इसमें कोई खास बात नहीं है, आप डायरेक्ट उस वेबसाइट पर लिंक करेंगे और आपको आवेदन पत्र आ जाएगा, आप वहां से अपना आवेदन पत्र भर सकते हैं। ठीक है, और ये देख लीजिए कि आप जो है ना, ये कुछ महत्वपूर्ण बातें ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको ध्यान रखनी है कि ऑनलाइन अंतिम पद से मतलब कि लास्ट तक अंतिम पूरा भरें, और कहीं गलतियाँ हों तो उसे जल्दी से जल्दी हटा लें, क्योंकि एक बार सबमिट होने के बाद फिर चेंज करना पॉसिबल नहीं होगा। परीक्षा शुल्क की बात करें, सामान्य वर्ग और क्रिमिलेयर अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों हेतु 450 रुपया, राजस्थान के नॉन क्रिमी के 350 रुपया, समस्त विशेष योग्यजन राजस्थान के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एससीएसटी के लिए 250 रुपया लगने वाला है। कार्मिक विभाग के लिए इन सब चीज़ अनुसार सभी वर्ग ऐसे भर्ती जिन्हें वार्षिक आय 250 लाख रुपये से कम है के लिए अनुसूचित जनजाति के समान ही परीक्षा शुल्क 250 रुपये देना होगा। मतलब कि अगर आपकी जो है ना, आपके पेरेंट्स की वार्षिक आय जो है ना 2.5 लाख से कम, अगर आपके पास कोई जिलाधिकारी द्वारा या कोई प्रमाण पत्र है, अथॉरिटीज द्वारा प्रमाण पत्र आपके पास है वार्षिक आय का, तो आपको 250 रुपये ही देने पड़ेंगे आपको अपने फॉर्म भरने के लिए, चाहे आप किसी भी चीज़ के क्यों ना हो, ऐसे भी किसी भी मतलब जनरल ओबीसी वगैरह किसी के क्यों ना हो, अगर आपकी आय इतनी कम है तो आपको 250 रुपये देने होंगे। ठीक है, और अपना जो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म है वो कहाँ, ई मित्र कियोस्क के यहाँ भी भर सकते हैं, और जन सुविधा केंद्र जो CSC है ना वहाँ पर जाकर भर सकते हैं, या अपने लैपटॉप या नेट कैफे पर जाके अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। फीस एक बार जमा हो गई तो आपसे को लौटाई नहीं जाएगी। ठीक है, प्रवेश पत्र के बारे में जानकारी कर लेते हैं। तो ये क्या है कि बोर्ड द्वारा समस्त अभ्यर्थियों को बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से ही ऑनलाइन प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। बोर्ड द्वारा डाक से कोई प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा, मतलब कि आपको जो आपकी ईमेल आईडी जो आपने रजिस्टर्ड कर रखी है उसी पर आपका जो प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड आएगा, कोई अलग से आपके घर पर एडमिट कार्ड नहीं आएगा। आगे देख लेते हैं पदों का आरक्षण वगैरह किसका क्या है। तो कुल पद इतने, सामान के लिए 130 और जो वीडियोस हैं उनके लिए 12, अनुसूचित ये सामान के लिए थे हमारे, अनुसूचित जनजाति के लिए लाइकवाइज, अनुसूचित ये अनुसूचित जाति के लिए, SC ST के लिए ये हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ये सब चीज़ें, अति पिछड़ा वर्ग के लिए ये सीटें हैं, 12 जिला सहरिया आदि मेतु ये सीटें हैं, 36 आरक्षण, ये देखिए कुछ को भूतपूर्व सैनिक के लिए, अगर आप भूतपूर्व सैनिक वगैरह के रहे हैं तो 36 उनके लिए वैकेंसी है, उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए 6 वैकेंसी है, ये आप वैकेंसी देख सकते हैं। ठीक है, अब ये देख लेते हैं अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र के लिए वैकेंसी, टोटल पद 18 हैं, ये सब भूतपूर्व सैनिक के लिए 2 हैं, ये पद रिजर्व हैं, सामान्य महिला के लिए 9 पद हैं। ये हमने मोस्टली जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हमने देख ली। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं थोड़ा सा, ये आप वीडियो को पॉज करके ये चीज़ें पढ़ सकते हैं, इससे सूचना वगैरह। ठीक है, मैं
जो मोटी मोटी बातें हैं उन्हें कवर करके चल रहा हूँ, वरना ऐसे सारी चीज़ों में बड़ा लंबा टाइम लग जाएगा, वीडियो बहुत ज़्यादा। वेतन की बात करें तो आपका ग्रेड पे 2400 की नौकरी रहने वाली है, मतलब आपका जो पेमेंट शुरुआत होगी 5200 से लगा के 20200 के बीच में आपकी पेमेंट रहने वाली है, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, आपकी पेमेंट करीब करीब 5500 से 20500 तक के बीच के आसपास में रहेगी। अब शैक्षिक योग्यता की बात कर लेते हैं। ग्रेजुएट ऑफ ए यूनिवर्सिटी स्टेबलाइज बाई लॉ इन इंडिया विथ 10 ईयर्स एक्सपीरियंस एज आंगनवाड़ी वर्कर इन ऐसे, मतलब कि आप ग्रेजुएट हों, ठीक है, आप ग्रेजुएट हों प्लस आपके पास 10 साल का आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का अनुभव हो तो आप इसके लिए पात्र हैं, ठीक है। इसके अलावा एक तो ये हो गई, एंड आपके पास क्या होना चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए, हैविंग वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ हायर क्वालिफिकेशन इन कंप्यूटर, तो मतलब आपके पास कंप्यूटर का कोई ना कोई चीज़ होनी चाहिए। तो मतलब इसमें आप कब अप्लाई कर पाएंगे, जब आपके पास कोई ना कोई कंप्यूटर का, ये देखिए कंप्यूटर से रिलेटेड कोई डिग्री डिप्लोमा वगैरह कुछ भी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो आपके इसके लिए क्या होना चाहिए कि आंगनवाड़ी की तरह काम करते हुए आपका पास 10 साल का एक्सपीरियंस हो, ठीक है, आपके पास ग्रेजुएट की डिग्री हो, ठीक है, और साथ में कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी डिप्लोमा वगैरह, ये सारी चीज़ें आपके पास, एक कोई चीज़ डिप्लोमा इन कंप्यूटर, ये कुछ ना कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो बात समझ गए कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन्होंने क्या लगा रखी, काफ़ी वैसे टफ इन्होंने करके रखा है कि पहले तो 10 साल का आपका आंगनवाड़ी के तहत आप काम कर चुके हैं, 10 साल का एक्सपीरियंस, प्लस आप ग्रेजुएट हों, ठीक है, और प्लस इसके बाद आपके पास कंप्यूटर से रिलेटेड कोई ना कोई सर्टिफिकेट वगैरह डिप्लोमा वगैरह हो, ठीक है। इसके अलावा भी देवनागरी लिपि वगैरह का, हिंदी में लिखने में संस्कृत, राजस्थान की संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए आपका, ठीक है। अब हम आगे देख लेते हैं थोड़ा सा अन्य योग्यताएं, क्या स्वास्थ्य सहित हो, चरित्र आपका अच्छा हो, राष्ट्रीयता आपकी क्या हो, भारत का नागरिक हो, नेपाल का प्रजाजन हो, या ये चीज़ें हो, तो आप जो है ना इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी भारत का नागरिक, मतलब ऐसा नहीं कि आप किसी दूसरे स्टेट के हैं तो अप्लाई नहीं कर सकते, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये पर्यवेक्षक के लिए है। आयु, आपकी आयु जो है ना 18 से 40 साल के बीच की आपकी आयु सीमा होनी चाहिए, और डिटेल में अगर आप किसी उससे रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, एससी एसटी फिजिकल हैंडीकैप वगैरह, तो आपको यस पूर्व भूतपूर्व फौजी, तो उनके लिए अलग से छूटें दे रखी हैं, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है। और ये देखिए 10 वर्ष की छूटें वगैरह दे रखी हैं, ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं आराम से। निःशक्त जनों के लिए, मतलब हैंडीकैप के लिए 10 साल की छूट, पिछड़ा वर्ग के लिए 13 साल की छूट, जो हैंडीकैप्ड है उनके लिए, बाकी के एस सी एस टी के लिए 15 साल की छूट वगैरह, ये आप पढ़ सकते हैं। अंशदायी पेंशन कर्मचारियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना, मतलब थोड़ी बहुत पेंशन आपको भी मिलेगी। विवाह पंजीकरण क्या है कि जो इसके लिए अप्लाई करके आए उन्हें विवाह का पंजीकरण होना अनिवार्य है, ये पहले जरूरी नहीं था लेकिन आज के ज़माने में स्टेट गवर्नमेंट, हर स्टेट गवर्नमेंट में ये जिन जो जो लोग शादी करते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट उन्हें एक ये सर्टिफिकेट देती है, ये आपके पास होना चाहिए, ठीक है। परीक्षा शुल्क जमा कराने के, ऑनलाइन आवेदन भर्ती करने की अंतिम तिथि वगैरह देख लेते हैं। 4 तारीख से शुरू, आज कितनी है 3 तारीख, ये फॉर्म कब से शुरू, 4 तारीख से, 4 अक्टूबर से शुरू और 3 नवंबर को ये फॉर्म ख़त्म है, ठीक है। तो 4 अक्टूबर से शुरू, 4 अक्टूबर से शुरू और 3 नवंबर से ख़त्म, नवंबर 3 नवंबर से, तो डेटों का याद रखिएगा आप, इन दोनों के बीच में ये फॉर्म भर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं परीक्षा का माह, जनवरी फरवरी में जो है ना आपका परीक्षा के, 2 जनवरी फरवरी 2019 में आपकी ये परीक्षा कराई जाएगी, ठीक है। और नियुक्तियों की ये देख सकते हैं आप, नियुक्तियों की अयोग्यताएं, अगर आपके पास दो पत्नियां हैं, 2 बीवी हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप वीडियो को पॉज करके इसी ने देख सकते हो, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम थोड़ा सा, आवेदन कैसे करें, आपको मैंने वेबसाइट बताई है, उस वेबसाइट पर जाकर आप वहाँ क्लिक करिएगा, वहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन अपना सारी चीज़ें डिटेल्स वगैरह भर सकते हैं, बस यही आपकी जो है ना प्रक्रिया है। आवेदन ऑनलाइन संशोधन की प्रक्रिया, अगर आप संशोधन करना चाहते हैं तो आपसे 300 रुपये देकर फिर से आप 7 दिनों के भीतर, अंतिम तिथि कितनी है 3 नवंबर, इसकी अंतिम तिथि है फॉर्म भरने की 3 नवंबर, ठीक है। तो 3 नवंबर के 7 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद से, 1 वीक बाद है, 300 रुपये देकर आप अपना संशोधन करा सकते हैं दोबारा से, अगर कुछ फॉर्म गलत भर गया तो। इसके बाद पहले रिटर्न एग्जाम वगैरह हो जाएगा, फिर उसके बाद आपको क्या होगा, प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराया जाएगा, सारे आपकी जो है ना शैक्षिक योग्यता वगैरह, भूतपूर्व सैनिक रहे तो उनका अनुसूची जनजाति वगैरह, तो सारा ये लोग कराएंगे। फिर उसके बाद और देख लेते हैं क्या जरूरी चीज़ें हैं, बस यहीं से अपना आवेदन, जो वीडियो की मैक्सिमम चीज़ें मैंने इस फॉर्म भर्ती से रिलेटेड सारी की सारी हमने कवर कर ली हैं, अगर फिर भी कोई छुट्टी हो तो आप हमसे
निसंकोच कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी जो प्रॉब्लम होगी उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप चाहते हैं इसके सिलेबस से रिलेटेड हम वीडियो बनाएं तो हमें कमेंट करिए, तो हम सिलेबस से रिलेटेड भी वीडियो बना देंगे, जिससे कि आपको एक एक चीज़ सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए। ठीक है, तो अपने इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर वगैरह कीजिए, लाइक वगैरह कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, किसी नई वैकेंसी के साथ में। तब तक के लिए वंदे मातरम।